नारी के मन में मिली दो इच्छाएं खास, सुत तो श्रवण कुमार हो, पति हो तुलसीदास। अपनी शादी का विज्ञापन दिया मैंने, मैंने लिखा विवाह की इच्छुक युवतियां निसंकोच अपना अपना बायोडेटा भेजें, फोटो लगा के दिया बॉक्स बनवा के ताकि सबकी नजर पड़े। विवाह की इच्छुक युवतियां निसंकोच अपना अपना बायोडेटा भेजें, बिल्कुल नहीं डरे, विवाह योग्य वर कवि सुरेंद्र दुबे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पर तकदीर में खोट हो तो चोट हुए बिना नहीं रहती। अखबार के संपादक ने गड़बड़ कर दी, मेरा विज्ञापन अखबार के वैवाहिक पन्नों पर छापने के बजाय शोक समाचार वाले पेज पर था। उस पेज पर छपे हुए विज्ञापनों की त्रासदी होती है कि उनका पूरा मैटर कोई पढ़ता ही नहीं, फोटो देखते ही समझ जाता है इसका विकेट गया। तो मेरी शादी का विज्ञापन पढ़कर सुबह लड़कियों के माँ बाप तो आए नहीं, कंधे पे अंगोछा डाल डाल के दाग करने वाले आ गए। आदमी सोचता क्या है, हो क्या जाता है, बस वहीं से हाथ से रस आता है। एक रचना बहुत ताजा विषय पर सुनाता हूँ। स्वागतम। काम वाली बाई काम पर नहीं आई तो पत्नी ने फोन करके उसको डांट पिलाई। ये रोज की समस्या घरों की, महिलाएं जानती है, बिना बताए काम वाली बाई गायब हो जाती है, तो समस्याएं होती है। नौकरी पेशा महिलाओं को ज्यादा होती है थोड़ी, सुनना जरा। काम वाली बाई काम पर नहीं आई तो पत्नी ने फोन करके उसको डांट पिलाई, अगर तुझे आज नहीं आना था तो पहले बताना था। वह बोली मैंने तो परसों ही फेसबुक पे लिख दिया था कि एक हफ्ता के लिए गोवा जा रही हूं, नहीं आ पाऊंगी, पहले अपडेटेड रहो फिर पता नहीं चले तो कहो। पत्नी बोली अच्छा तो तू फेसबुक पर भी है? वो बोली मैं तो बहुत पहले से फेसबुक पर हूं, साहब मेरे फेसबुक फ्रेंड है। बिल्कुल नहीं झिझकते हैं, मेरे हर अपडेट पर बिंदास कमेंट लिखते हैं। इस अपडेट पर भी उन्होंने लिखा हैप्पी जर्नी, टेक केयर, यू आर रेयर, जल्दी आना, मुझे नहीं भाएगा पत्नी के हाथ का खाना। हाय 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 हाय। इतना सुनते ही मुसीबत बढ़ गई। पत्नी ने मोबाइल बंद किया और झट मेरी छाती पर चढ़ गई और गब्बर सिंह के अंदाज में बोली अब तेरा क्या होगा रे कालिया। मैंने कहा देवी मैंने तेरे साथ फेरे खाए थे। वो बोली तो अब मेरे हाथ का खाना भी खा। अंतिम पंक्ति सौंपता हूं आपको। इस युग का सारा का सारा मामला लुक पर है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल मेरा कुत्ता भी फेसबुक पर है। आजकल मेरा कुत्ता। नया साल आने वाला है और आप ठा के लगाते रहे, थोड़ा सा और आनंद की बारिश करें। मैं अंतिम रचना आप तक पहुंचाता हूं। फर्स्ट एंड लास्ट वैलेंटाइन डे ऑफ माय लाइफ। शीर्षक अंग्रेजी में, कविता हिंदी में। वैलेंटाइन डे मना था मैं भी तैयार, चला प्यार की ओट में करने नया शिकार, देख एक सुंदर लड़की भावना मेरी भड़की। तो मैंने हाँ ऐसे तो आनंद आ जाएगा, ऐसे ठीक है लगाते रहो। मैंने लड़की से कहा दे करके एक फूल, आजा मेरी माधुरी मैं तेरा मकबूल, मेरे सपनों की रानी बनाए प्रेम कहानी। तो नाना जी उसने कहा सही पहचान, अंकल भी नहीं कहा मुझे नाना जी कह के पट्टी ने खुद को तो बचाया, जो बचाया अपनी मम्मी को भी बचाया। तो ना ना जी शब्द में से कविता कैसे आती है, मन में वासनाएं भरी हो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, शब्द दूसरा अर्थ देने लगता है। मेरे प्रपोज करने पर उसने कहा ना ना जी, उसने मना किया और मैं वो नाना जी समझ रहा हूं। आए, 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 आए। ना ना जी उसने कहा खूब पड़ेगी मार, पहलवान की बगिन से हुआ आपको प्यार, अगर ये फूटा भंडा यहीं कर देगा ठंडा। तो मैंने वापस ले लिया उससे अपना फूल, प्रेम नहीं करे तो फूल वापस, आदमी अपना इन्वेस्टमेंट काहे को डुबोए।
आजकल प्यार भी व्यापार के नॉर्म्स पर हो रहा है। अच्छी बात। तब मेरी इस बात पर हंसना। मैंने वापस ले लिया उससे अपना फूल, मुझको दिखी अधेड़ सी एक महिला अनुकूल। फूल देख दे टटोला, प्यार से मैं यूं बोला। मैंने प्रपोज कैसे किया ये मैटर सुनना। मेरी उम्र में कोई वैलेंटाइन डे मनाना चाहे तो इससे बढ़िया ड्राफ्टिंग नहीं मिलेगी, इससे बढ़िया मैटर नहीं मिलेगा, याद कर लेना। मैंने उसे कहा, न्योत रहा हूं मैं तुझे, बन जा मेरी फ्रेंड, तू भी सेकंड हैंड है। न्योत रहा हूं मैं तुझे, बन जा मेरी फ्रेंड, तू भी सेकंड हैंड है, मैं भी सेकंड हैंड, साधना मेरी डोले, आज तू मेरी होले। पर मेरी तकदीर में लिखी हुई थी खोट, पर मेरी तकदीर में लिखी हुई थी खोट, लिपट गई किसका लिए जेब से सारे नोट चोट। तकदीर में खोट और चोट हुए बिना नहीं रहती। पर मेरी तकदीर में लिखी हुई थी खोट, लिपट गई किसका लिए जेब से सारे नोट। छोट पैसों की खाई तभी घर वाली आई। आप तो हंस रहे हैं, मैं जानता हूं तब मेरी क्या दुर्गति हुई थी। और इन पंक्तियों को आप संभाल लेना और मुझे बताना कि मेरा संदेश आप तक पहुंचा है कि वैलेंटाइन डे यहां है कांटों का हार। हार तो है ये, पर फूलों का नहीं, इसमें कांटे भी है, वो चुभेंगे, ये कहना चाहता हूं। वैलेंटाइन डे यहां है कांटों का हार। पंक्ति संभालना। काम साधकों के लिए मृग तृष्णा है प्यार, प्यार एक कठिन तपस्या, वासना जटिल समस्या। कविता खत्म हो गई, ताली बजा। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं जयपुर दूरदर्शन की ओर से। नया साल आप सबको मुबारक हो।